राधे कृष्ण फ्रेंड, और कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरी किचन में। देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तिल और खोए के लड्डू। और साल का पहला त्यौहार मकर संक्रांति आने वाला है, तो इसलिए मैंने लड्डू बनाए हैं। आप भी इन लड्डुओं को बनाइए। ये देखिए, ये लड्डू खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और चलिए मैं आपको बताती हूँ तिल और खोए के लड्डू बनाने की रेसिपी। आइए तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने क्या किया है कि मैं आज बना रही हूँ मावा और तिल के लड्डू। मावा यानी खोआ और तिल के लड्डू। तो देखिए मैंने क्या किया है कि ये मैंने तिलों को दो जगह, ये हैं आधे तिल तो मैंने साबुत रखे हैं, और ये देखिए आधे तिल मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिए हैं। और आप इन्हें बहुत ज़्यादा एकदम से बारीक ना करें, थोड़ा सा दलदराई रखें। और ये है देखिए मावा। और चलिए अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। ये देखिए गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पे कर लिया है और कढ़ाई गरम है, और मैं इसमें ये मावा डाल दी। तिल और मावा के लड्डू, मकर संक्रांति आने वाली है, आप भी बनाइए। बहुत इजी हैं और टेस्टी भी बहुत लगते हैं। तो देखिए मैं ये अब खोए को भून रही हूँ, और खोआ हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसे बस इतना भूनें आप कि ये जैसे टाइट टाइट खाना है एकदम, और ये थोड़ा सा हमारा इस तरह से हो जाए। ये देखिए खोए को ज़्यादा नहीं भूनें, इस बात का आप खास ख्याल रखें। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको भून लिया है, और अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ। देखिए ये है इलायची पाउडर, ये देखिए इलायची पाउडर इसमें डाल दिया है मैंने। और अब हमें ये ज़्यादा नहीं भूनना है, इसका कलर चेंज ना हो, ये वाइट ही रहना चाहिए बस, ये इस तरह का हो जाए। ये देखिए मीडियम फ्लेम पे देखिए हमने खोआ भून लिया है, हमारा खोआ भुन गया है, और हमें बस ये इतना रखना है, इतना भुना हुआ होना चाहिए, इसका कलर चेंज ना हो। और आप इसे 5 से 8 मिनट तक भूनिए बस, और वो भी मीडियम फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा तेज़ गैस पर नहीं। और अब मैंने ये गैस को बंद कर दिया है, अब हम इसके ठंडे होने का वेट करेंगे। तो देखिए अब ये हमने बाउल में निकाल लिया है खोआ, और ये हमारा खोआ इस तरह का भुन गया है, और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और आप भी साल के पहला त्यौहार है मकर संक्रांति, इन लड्डुओं को बनाएं। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने तिल लिए हैं, इन तिल को मैं इसमें मिला दूँगी। और देखिए ये हैं जो तिल मैंने मिक्सी में पीस लिए थे, उन्हें भी मैं इसमें मिला दूँगी। दोनों तरीके के तिल, आधे तिल आप साबुत रख लें और आधे तिल पीस लें, और उन्हें इस तरह से खोए में मिक्स कर लें। तो इसमें देखिए फ्रेंड, मुझे तिल कुछ कम लग रहे हैं, और ये थोड़े से तिल मैं इसमें और मिक्स कर रही हूँ। आप इसमें भुने हुए तिल डालें, और आधे तिल आप पीस लें और आधे तिल आप ऐसे ही रखें। इसमें कोई हमें घी नहीं डालना है, इसमें ना घी डालना है हमें और ना कुछ, बस अब हम इसमें डालेंगे, अब हम लड्डुओं को मीठा करेंगे और उसमें डालेंगे हम ये बूरा। आप अपने हिसाब से मीठे कीजिए लड्डुओं को। ये देखिए इसमें ये हम बूरा मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए मैंने इसमें भुने हुए तिल डाल दिए हैं, आधे तिल साबुत और आधे तिल पीस कर, और बूरा डाल दिया है, और ये अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिरौंजी। और अब हम अपने मटेरियल को थोड़ी देर के लिए रख देंगे, फिर हम इसके लड्डू बांधेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो लड्डू का मटेरियल है, जो हमने खोआ भुना था, वो देखिए इतना ठंडा हो गया है, और इसमें हमने सभी चीज़ें मिला ली हैं, और काफ़ी ठंडा हो गया है ये। अब हम बस इसके लड्डू बांधेंगे। और देखिए मैं आपको ध्यान रखने योग्य बातें बता रही हूँ, जो चीज़ें आपको इसमें लड्डू बनाने में, जब आप खोआ और तिल के लड्डू बना रहे हैं, तो आपको जो बातें याद रखनी है वो देखिए, सबसे पहले तो आपको मावा ज़्यादा नहीं भूनना है, और दूसरी बात ये है कि इसमें तिल भी ज़्यादा नहीं भूनने हैं आपको। तिल हमारे सफ़ेद ही दिखने चाहिए, मतलब बस आप थोड़ा सा
एक दो मिनट के लिए बस कढ़ाई में डाल लीजिए, क्योंकि तेल सफ़ेद दिखने चाहिए और मावा भी ज़्यादा नहीं भूनना है। और तीसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि आपको इसमें जब जब तक ये हमारा मावा बिल्कुल ठंडा ना हो जाए तब तक आपको इसमें बूरा नहीं मिलाना है। अगर आपने तब इसमें बूरा मिला लिया तो आपका जो खोआ है वो बहुत ज़्यादा गीला गीला हो जाएगा और फिर लड्डू बनाना कठिन हो जाएगा। इसलिए आप इन सभी बातों को ध्यान रखें। और देखिए अब मैं बना रही हूँ इसके लड्डू। और फ्रेंड अगर आप चाहें तो इनमें काजू भी मिला सकती हैं। ये देखिए आप इनके छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड मैं लड्डू बना रही हूँ इस तरह से, खोआ और तिल के। मकर संक्रांति का पर्व नज़दीक है, आप भी इन्हें बनाइए। और ये देखिए आप इस तरह से ऊपर से जरा सी चिरौंजी भी लगा दीजिए तो इनसे लड्डू और भी ज़्यादा सुंदर दिखेंगे। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से आप एक चिरौंजी लगा दीजिए और लड्डू को बना लीजिए। तो देखिए फ्रेंड बन गए हैं हमारे लड्डू। और आप भी इन लड्डुओं को बनाइए, खोआ और तिल के लड्डू। ये बनाने में बहुत आसान है और मकर संक्रांति के साल के पहले त्यौहार पर आप भी इन लड्डुओं को बनाकर खाइए। अगर आपको लड्डू पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।